अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज की मैं रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही जो है यूनिक सी, मैं तो कह सकती हूँ यूनिक सी, इसलिए कि ये सब्ज़ी और जो है ये हैदराबाद में नहीं मिलती, तो बहुत ही मुश्किल से, और ये स्पेशली जो है ये पंजाब में आराम से मिल जाती है आपको। ये हम बनाने जा रहे हैं कीमा कचनाल हम बनाने जा रहे हैं। तो ये कचनाल है, मैंने 1 किलो कचनाल ली है और 1 किलो ही जो है मैंने हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है, और 5-6 प्याज मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं, हाफ प्याली से थोड़ी ज़्यादा मैंने दही ली है, 5 टमाटरों को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक है, 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट है तो ये ले लिया है, थोड़ा सा धनिया, 3-4 हरी मिर्चें और हाफ लीमू। लीमू हाफ मैंने इसलिए लिया कि मेरे पास बड़ा लीमू था तो मैंने हाफ लीमू ले लिया। और स्पाइसेस के अंदर देख लीजिए, मैंने 2 टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च ली है, नमक हसबे ज़रूरत लिया है, और क्या कहते हैं इसके अंदर धनिया पाउडर मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है, हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून ली है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी फ्रेंड्स। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, वीडियोस को लाइक कर लें, शेयर करें कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बताइएगा मुझे कि किस किस को ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, वो भी ख़ास करके ये कीमे में, ये गोश्त में भी बनती है आपकी अपनी मर्ज़ी है, मगर ये कीमे के अंदर बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये कलियाँ होती हैं, ये देख लीजिए ये कलियाँ होती हैं, और इसका टेस्ट सच में बहुत यम्मी सा बनता है, और मैंने ये स्पेशली पंजाब से मंगवाई हैं तो इसलिए, वैसे ये ग्रीन ग्रीन कलर की होती हैं, मैंने पंजाब से मंगवाई हैं तो ये थोड़ी सी रेड सी हो गई हैं। बाकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं देर किए बिना। तो मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, सबसे पहले हम जो है इसको कीमे को पकाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, कीमा इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1/2 केजी मैंने, हाफ नहीं, 1 केजी मैंने इसमें कीमा ले लिया है हाथ का कुटा हुआ। इसके बाद मैं आपको बता दी क्या क्या करना है हमें। कीमा डाला, इसमें अब प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया प्याज और कीमा। अब ये 1 गिलास पानी है ये इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको करेंगे मिक्स थोड़ा सा पानी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम अपनी स्पाइसेस जो ये निकाली हुई थी मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही साथ ये जो टमाटर लिए हैं ये हम 1/2 टमाटर इसमें अभी शामिल करेंगे, और 1/2 टमाटर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है इसके बाद। तो जी फ्रेंड्स, ये मैंने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। अब फ्लेम को कर देती हूँ मैं थोड़ी हाई, 1 आध उबाल आने के ऊपर इसको प्रेशर कुकर कर देंगे हम बंद, ताकि कीमा हमारा 10 से 12 मिनट के अंदर कीमे को चेक करेंगे कि गल है कि नहीं। जी फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है, इसके अंदर पानी में 1 ही बॉयल आया था तो मैंने प्रेशर कुकर किया बंद, और अब इसके बाद 10 मिनट बाद इसको खोल के देखेंगे कि कीमा कहाँ तक पहुँचा है, मतलब कहाँ तक इसकी पकाई हुई फ्रेंड्स है। तो देखिए कीमा मैंने प्रेशर कुकर से निकाल लिया है, इसमें थोड़ा पानी था, हमने फ्लेम को कर दिया हाई ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए, और कीमा ऑलमोस्ट हमारा जो क्या कहते हैं पक चुका है। तो फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कि किस किस को पता है इस सब्ज़ी का, कि कचनाल सब्ज़ी का किस किस को पता है, और ये बहुत ही कम टाइम के लिए आती है, मुश्किल से 1 महीना मिलती है ये, और क्या कहते हैं पंजाब में आती है ये, और ये बहुत का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, फिर हम कीमे की करेंगे भुनाई, और जो हमने टमाटर बचा के रखे थे वो इसमें शामिल करेंगे, ऑयल शामिल करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या क्या करते रहना। बहुत ही यम्मी सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी तैयार होती है।
और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपीज़ वगैरह। और अगर आपको कुछ और मुझसे मतलब मुझसे जो बनवाना चाहते हैं और रेसिपी जानना चाहते हैं उस रेसिपी के लिए तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सी रेसिपी आपको पसंद है जो मुझे देखना चाहते हैं कि मैं बनाऊँ वो रेसिपी। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत शुक्रिया जो मुझे खाली व्यूज़ दे रहे हैं वीडियोस को देख के, खाली जो स्किप ना करें मेरी प्लीज़ वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये बना रही हूँ वीडियोस वगैरह। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें ताकि मुझे पता हो कि मैं और इससे अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ। जी फ्रेंड्स, तो देखिए कीमे के अंदर जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मज़ीद 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि जो ये ज़रा ज़रा सा हमें दिख रहा है पानी ये इसमें से बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो फिर इसमें करेंगे हम ऑयल शामिल और टमाटर शामिल करेंगे। देखिए पानी हो चुका है ड्राई बिल्कुल, अब इसमें करेंगे ऑयल शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबलस्पून नहीं बल्कि ज़्यादा ही, मैंने 1/2 कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। इसके बाद इसको करेंगे मिक्स। ऑयल थोड़ा हो जाएगा गरम, मतलब कीमे के साथ इसको ऑयल को करेंगे फ्राई। देखें ऑयल हमारा इस साइड में कितने अच्छे तरीके से आ गए। अभी हम और इसको मज़ीद भुनेंगे। अब जो मैंने बचा के टमाटर रखे थे वो अब शामिल करेंगे हम। अब इसको टमाटर के साथ इसको भूनेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देखें एक मैंने बड़ी इलायची ले ली है और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंगे हैं, 4-5 जो मेरी काली मिर्चें मैंने ली हैं, अब ये इसमें शामिल कर देंगे हम। अब करेंगे इसकी अच्छे से बुनाई। और ऐसे प्रेस कर देंगे हम टमाटरों को ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो फिर मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए हमारी कीमे की अच्छे से बुनाई हो चुकी है, अब इसमें शामिल कर देंगे हम जो कचनाल थी ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको इसके साथ अब भूनेंगे कीमे के साथ। जी फ्रेंड्स, तो देखें इसको मैंने इसके साथ डाल दिया कीमे के साथ कचनाल को, अब इसको करेंगे इसके साथ भुनाई कीमे के साथ ताकि ये अच्छे से भून जाए दोनों चीज़ें। कीमा तो ऑलरेडी हमारा भून चुका है मगर कीमे के साथ जो है ये कचनाल भूननी ज़रूरी है। जी फ्रेंड्स, तो देखिए ये हम अब दही को करेंगे बीट और बिल्कुल इसके अंदर जो ये चंक्स बने हुए ये ना बने हों, बिल्कुल बीट हुआ होगा तो फिर वो हम शामिल करेंगे दही कीमा कचनाल। तो देखिए मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है सब्ज़ी कीमा कचनाल की, अब इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। और इसके बाद इस पर शामिल करेंगे लेमन जूस जो मैंने 1/2 रखा था, उसके बीज निकाल लीजिएगा। माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा लेमन था और उसमें जूस भी बहुत अच्छा सा निकला है 1/2, जबकि मैंने 1/2 लिया ये। और अब इस पर शामिल करेंगे धनिया। तो जी रेडी हो चुकी है हमारी डिश, इसको मैं डिश आउट करके आपको जी फ्रेंड्स, तो देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी कीमा कचनाल तैयार हो चुकी हैं। और किस किस ने इस रेसिपी को ट्राई करना है और किस किस ने ये रेसिपी खाई हुई है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई की है पहले या नहीं, और अगर नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बनती है, बहुत ही टेस्टी इसका टेस्ट है। तो माशाल्लाह इसका लुक देखें और इसका कलर देखें, बहुत ही यम्मी सा है, मेरे तो मुँह में अभी भी पानी आ रहा है, इतनी यम्मी सी बनी थी ये। तो आप लोगों ने अगर वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा वीडियोस को ताकि
और जो भी चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नई वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।